जब ये एच हाइट नीचे आ जाएगा उस समय इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा, थीटा निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो इसको, जब ये एच हाइट नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, देखो मान लो ये यहां पहुंच गया, ये एच हाइट नीचे है, यहां पे इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा है एम जी, और यहां पे नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, ये जो नॉर्मल होगा ठीक है सेंटर से पास करेगा ऐसे, इस पॉइंट से, ए पॉइंट बोल दो इसको, यहां पे इसकी रेडियस भी कम होगी क्योंकि आर स्मॉल आर बोल दिया मैंने इसको, चलो। तो अब देखो यहां पर तो इस ये जो एक्सिस है इसकी, किसकी एक्सिस, इस हेमिस्फेयर की जो एक्सिस है, ये नॉर्मल इस एक्सिस से पास कर रहा है, तो इस नॉर्मल के कारण कोई टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क अबाउट एक्सिस जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि नॉर्मल इज पासिंग थ्रू एक्सिस, अगर वो एक्सिस से पास हो रहा है तो उसके कारण टॉर्क जीरो आएगा, और mg का भी कोई टॉर्क नहीं है क्योंकि mg का टॉर्क मतलब mg जो है कुछ फोर्स वो एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्सिस के अगर पैरेलल होता है तो उसके कारण कोई भी, या फिर mg ऐसे लिखो एंड टाउ ऑफ mg इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इसलिए जो एक्सिस के कारण पर टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा, टॉर्क अगर एक्सिस के अलोंग जीरो आया इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना था, एल इनिशियल, तो देखो एक्सिस से एम वी नॉट और एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी थी आर, ये जो एक्सिस है पार्टिकल यहां पर था तो एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी आर, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना था एम वी नॉट आर, और ये पैरेलल था किसके एक्सिस के, अब डायरेक्शन निकाल लो एम वी आर वी क्रॉस आर करके पैरेलल टू एक्सिस, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो उसका हमें ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा वी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे देखो, ये रब कर दूं, यस सर, मोमेंटम क्यों कंजर्व किया हमने, क्योंकि एक्सिस के अलोंग टॉर्क जीरो है, और हम वी का वही कंपोनेंट लेंगे जो पैरेलल है ठीक है, जिसके कारण एंगुलर मोमेंटम, अब मुझे कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे देखो, ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये सेंटर है, ये स्मॉल रेडियस आर, ये एच है, ये आर है ठीक है, तो थीटा देखो क्या होगा यहां पे, सबसे पहले तो ये आर क्या होगा,
स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का रूट, ठीक है, एम वी कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एल इनिशियल कितना है एम वी नॉट इंटू आर, एल फाइनल कितना होगा एम वी की जगह लूंगा मैं वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा और रेडियस की जगह लूंगा ये। अब एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी स्मॉल आर, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, इसको रब कर रहा हूं मैं, जो भी इसमें ग्रेविटी ने वर्क डन किया जो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया एम जी एच चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें तो वी लेंगे कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें पहले वी मिल जाएगा, वी से आप थीटा निकाल सकते, ठीक है। तो बाय सॉल्विंग वन एंड टू वी गेट थीटा, ठीक है। हो गया? Yes, sir. ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, एक ब्लॉक है जिसका मास है एम, इसकी जो साइड है वो ए, ये साइड ले लो बी, जो ब्लॉक है ये वी वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा है, स्मूथ सरफेस है तो चलता हुआ जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक हल्का सा इसको बोलते हैं किंक, किंक मतलब एक हल्का सा उभार है। सर नहीं समझे, किंक नहीं जानते, मतलब एक कंकर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पत्थर का टुकड़ा या एक हल्का सा उभार है सरफेस में, सरफेस में हल्का सा क्या है उभार है, उभार जानते हो ना, तो ठीक है। यस सर। तो जब ये सर टकराएगा, मतलब ये आएगा तो इस उभार के कारण अगर ये बीच ज्यादा तेज हुआ तो ये लुढ़क जाएगा। यस सर। तो वी मिनिमम कितना हो कि ये टोपल कर जाए, ज्यादा होगा तो कर ही करेगा ऑब्वियसली, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, तो फाइन वी मिनिमम such that block completely topple मतलब उलट जाएगा,
कैसे करेंगे, देखो इसमें भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ये ब्लॉक वी वेलोसिटी से आ रहा है, ये किंक यहां पर पहुंच गया, वी इस तरफ है, तो जैसे ही टकराएगा वेलोसिटी के कारण इसमें ओमेगा, इस पॉइंट इसको एक्सिस मान के इसका ओमेगा ऐसा होगा। यस सर। तो इस पॉइंट के एट दिस पॉइंट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व करेंगे हम लोग, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, क्योंकि इस पॉइंट के अलॉन्ग हम लोग टॉर्क जीरो लेंगे। एक्चुअल में यहां पर mg का टॉर्क लग रहा है, लेकिन mg का टॉर्क जो है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, ठीक है। हियर देर इज अ टॉर्क ऑफ mg आल्सो, देर इज अ स्मॉल टॉर्क, वेरी स्मॉल टॉर्क, बहुत ही स्मॉल टॉर्क लग रहा है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, वेरी स्मॉल टॉर्क ऑफ mg विच कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको जीरो मान लेंगे। mg का टॉर्क तो लग रहा है लेकिन बहुत ही कम लग रहा है, तो हम लोग इसका टॉर्क जीरो मान लेंगे। तो टॉर्क जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। आई बात समझ में? इस लाइन को लिख लो। यस सर। लिख लिया? यस सर। अब देखो, अब L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल करूंगा, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना था इसका, इनिशियली ये V वेलोसिटी से आ रहा था ऐसे करके, सेंटर ऑफ मास, तो यहां से ये B था ना। यस सर। डिस्टेंस कितनी, B बाई टू, वेलोसिटी कितनी, V, मास कितना, M, तो M वेलोसिटी V, और डिस्टेंस कितनी, B बाई टू, एम वी बी बाई टू, समझ गए। एल फाइनल कितना होगा, फाइनली एंगुलर मोमेंट। अब ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो इस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताओ, पढ़ा था ना। अगर मान लो ये बी है तो इस एक्सिस के अलोंग क्या होता है इनर्शिया, सर एम बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर बाय थ्री, थ्री। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा जल्दी बताओ, एम ए स्क्वायर बाय थ्री प्लस एम बी स्क्वायर बाय थ्री। यस सर। इंटू ओमेगा, ये इक्वेशन नंबर वन बन गई। ठीक, दूसरा अभी टॉपल करेगा, इसको रब कर रहा हूं मैं, टॉपल करेगा तो देखो इसकी पोजीशन कैसे हो जाएगी, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे ही आ जाएगा, ये किंग क्या आपका, ठीक है सही बनाया मैंने, तो इस एक्सिस के अलावा तो ये ऐसे करके टॉपल करेगा, ठीक है ऐसे रोटेट करेगा इसका सेंटर ऑफ मास, तो यहां से लेके यहां तक सेंटर ऑफ मास कितना उठ गया, सेंटर ऑफ मास कितना उठ जाएगा, ये a by 2, ये b by 2, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई,
a by 2 का स्क्वायर प्लस b by 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर by 2। तो जैसे ही वो टकराया उसमें जो भी एनर्जी थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें ये ऊपर वर्डन करवाने में। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम या बाय एनर्जी कंजर्वेशन जो काइनेटिक एनर्जी थी वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना है एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, एम जी एच की जगह लिखेंगे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट बाय टू, एम एम कैंसिल, यहां से आपका क्या निकल जाएगा ओमेगा। रुको मैंने कुछ गड़बड़ करी ना, अच्छा सेंटर ऑफ मास जो है ये तो ग्राउंड से हाइट है, पहले सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर था बी बाई टू, पहले ब्लॉक ऐसे था, पहले भी ग्राउंड से ही था बी बाई टू, अब ग्राउंड से कितनी हाइट पर एच हाइट पर, तो यहां से माइनस कर देंगे बी बाई टू। समझ गए? यस सर। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा से आप बी निकाल लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोनों को सॉल्व कर लो, ओमेगा वी निकाल लो। ठीक है जो वी आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक समझ गए? आगे देखें, चलो नेक्स्ट देखो, हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, वहां पर मैंने आप लोगों को इंपल्स पढ़ाया था, इंपल्स इक्वल टू एफ डॉट डी टी या चेंज इन मोमेंटम, नेट चेंज इन मोमेंटम। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स क्या होता है, एंगुलर इंपल्स, तो अगर किसी बॉडी पे इंपल्स लग रहा है और बॉडी घूम रही है तो उसे ही हम लोग बोलेंगे एंगुलर इंपल्स। मतलब रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ इंपल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर इंपल्स। इंपल्स के कारण अगर कोई बॉडी घूम रही है तो उसे बोलेंगे एंगुलर इंपल्स। इंपल्स देखो, एफ बराबर फोर्स हमने पढ़ा था, एफ इक्वल टू डीपी बाय डीटी होता था, फिर क्या करते थे यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, एफ डॉट डीटी इक्वल टू डीपी। तो ये जो एफ डॉट डीटी आता था उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, इसे क्या बोलते थे इंपल्स, और ये बाद में क्या आता था डेल्टा पी वेक्टर। उसी तरह से टॉर्क इक्वल टू होता है डीएल वेक्टर बाय डीटी, तो टॉर्क इनटू डीटी इक्वल टू डीएल वेक्टर, ये हो जाएगा डेल्टा एल वेक्टर, इसे बोलेंगे एंगुलर इंपल्स।
tau dt. tau dt को बोलेंगे एंगुलर इंपल्स या इंपल्सिव टॉर्क भी बोल सकते हो आप इसको. अच्छा ये जो टॉर्क है इस टॉर्क को बोलेंगे इंपल्सिव टॉर्क. अच्छा बोलेंगे इंपल्सिव टॉर्क. ठीक है ये आपका एंगुलर इंपल्स होगा. तो एंगुलर इंपल्स बराबर कितना आया डेल्टा एल वेक्टर. इसको नोट कर लो या फिर टाउ डी टी. तो टॉर्क बराबर हमने पढ़ा टॉर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स आर क्रॉस एफ या फिर टॉर्क को एफ इंटू आर डी टी भी लिख सकता हूं मैं इक्वल टू डेल्टा एल. तो यहां से आर बाहर आ जाएगा आपका ये हो जाएगा एफ डी टी. देखो एफ डी टी क्या आया ये तो इंपल्स होता है ये तो आपका सिंपल इंपल्स होता है जिसको हम लोग जे वेक्टर से डिनोट करते हैं. तो ये क्या आ जाएगा आपका जे डॉट आर वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एल वेक्टर. जे डॉट आर इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा एल वेक्टर. लीनियर इंपल्स नहीं हाँ डेल्टा एल आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. ठीक है लीनियर इंपल्स डॉट आर इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और ये आपका एंगुलर इंपल्स है. समझ गए. चलो आगे देखें. तो जैसे एक रॉड है रेस्ट पर है अभी एम मास एल लेंथ इधर जे एंगल 37 डिग्री. ठीक है जे क्या है आपका इंपल्स. यहां पे इंपल्स लगा तो जे का ये वाला कंपोनेंट लेंगे जे इंटू सॉरी जे कॉस 37 जे डॉट आर इंटू एल इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आई ओमेगा I omega 4 by 5 J L. I कितना होगा इस एक्सिस के अलावा I M L square by 3 into omega. ठीक है omega वगैरह कैलकुलेट करना है तो यहां से omega हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. आई बात समझ में. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग नोट कर लो इसको. आ रहा है समझ में. यस. एक और सवाल लेते हैं. जे की वैल्यू दे रखी है मान लो. अब देखो ये रॉड जो है वो इनिशियली पहले से घूम रही है. कितने से 5 रेडियन पर सेकंड से घूम रही है रॉड. इस रॉड का मास दे रखा है आपको
एम दे रखा है 3 kg, लेंथ दे रखी है 4 meter, घूम रहा है, जे की वैल्यू दे रखी है 20 kg, इंपल्स की होती है kg, मीटर, चेंजिंग मूवमेंट है, kg मीटर पर सेकेंड ना, इंपल्स मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, केजी मीटर पर सेकंड। तो हमें बताना है कि जब इस पे इंपल्स लगेगा तो उसके बाद इसका ओमेगा क्या हो जाएगा, फाइंड ओमेगा फाइनल। कैसे करेंगे हम लोग, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना, एल इनिशियल ये होता है आई ओमेगा, घूम रही रॉड, आई कितना होता है एम एल स्क्वायर बाय 3, एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा, एम है 3, 4 का स्क्वायर 3, ओमेगा कितना 5, तो ये आएगा 80 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है ना, आएगा केजी, इसकी में क्या होती है मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा एम केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सही कराओ ना, केजी मीटर स्क्वायर ओमेगा रेडियन पर सेकंड। एल इनिशियल डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे घूम रहा है, मोमेंटम अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्रॉस मान लो, फाइनल मोमेंटम अब इंपल्स की इक्वेशन बनाओ, लगेगा j cos 37, और j cos 37 इधर क्या हो जाएगा, j cos 37 ये कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे उल्टा, तो इसलिए लेंगे माइनस में, ठीक है, हमने मान लिया कि अंदर की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया पॉजिटिव डायरेक्शन, और बाहर की तरफ की डायरेक्शन को मैंने मान लिया नेगेटिव डायरेक्शन, तो जो इंपल्स के कारण जो घूमने की कोशिश कर रहा है, उसका ओमेगा एंगुलर मोमेंटम किधर, अंदर की तरफ होगा, तो जे कॉस 37 माइनस में लुआ, क्यों, क्योंकि इसको उल्टा रोटेट करवा रहा है ये, इनटू एल, एल कितना 4, इक्वल टू हो जाएगा, मतलब टकराने के बाद ये घूमा, टकराने के बाद ये घूम रहा है ओमेगा से, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जे की वैल्यू कितनी है 20 cos 37 4/5 इंटू 4 चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, टकराने के बाद मान लो ये घूम रहा है किससे, ओमेगा से घूम रहा है, तो आई ओमेगा, आई कितना है 16, ओमेगा एल इनिशियल कितना है 80, सॉल्व करो यहां से, 5 × 20, 4 × 16, 16 × 64, 64, तो 16 ओमेगा 80 माइनस 64, तो आ जाएगा 16 ओमेगा ओमेगा आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकंड, कुछ आया समझ में, कुछ yes, आया उड़ गया ऊपर से, ठीक है, एंगुलर इंपल्स बराबर, ठीक है,
एंगुलर इंपल्स बराबर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जैसे इंपल्स बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, उसी तरह से एंगुलर इंपल्स बराबर होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चलो अब देखो नेक्स्ट, नोट कर लिया और क्वेश्चन करता है एंगुलर इंपल्स पर। अब सर आज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए लास्ट बस। एम मास से डिस्क एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल नहीं है हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, इस पे क्या एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, स्ट्रिंग अभी ऐसे है, अभी स्ट्रिंग जो है वो टाइट नहीं है, थोड़ी सी ढीली है, स्लैक कर रही है। इसको मैंने v नॉट वेलोसिटी से फेंका, तो जब स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, ये तो जा रहा है तो स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी एक कंडीशन के बाद, इस पर टेंशन लगेगा, इधर t लग रहा है, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कुछ, तो देखो क्या होगा। ऐसे स्ट्रिंग है, मैंने बताया था वहां पर भी, स्ट्रिंग मान लो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगा, तो वी इक्वल टू ओमेगा आर होगा, वी और आर दोनों सेम होंगे। यस सर। अब यहां पर दो इक्वेशन बनेंगे, एक तो इंपल्स के कारण टॉर्क, सॉरी, तो यहां पर एक तो इंपल्स लेंगे सिंपल इंपल्स और एक एंगुलर इंपल्स। तो सिंपल इंपल्स टॉर्क की डायरेक्शन माइनस में, तो देखो माइनस सॉरी टी डी टी, टेंशन के कारण जो इंपल्स होगा इज इक्वल टू माइनस साइन क्यू लिया, क्योंकि अपोजिट में, सॉरी इसके लिए ले रहे हैं हम लोग मान रहे कि इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये टेंशन जो है ब्लॉक के लिए ले रहे हैं, ब्लॉक जो है ब्लॉक की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी वी, तो ब्लॉक में कितना चेंज आया एम वी, फाइनल माइनस इनिशियल होता है एम वी नॉट, तो ये तो गया इंपल्स की इक्वेशन। अब हम बनाएंगे एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन, एंगुलर इंपल्स लग रहा होगा इस पे टी आर डी टी इक्वल टू आई ओमेगा, यहां से r कॉमन ले लो, मतलब r तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन t dt इक्वल टू हो जाएगा आई ओमेगा बाय r। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को इक्वेट करो, तो ये हो जाएगा माइनस आई ओमेगा r इक्वल टू एम वी माइनस एम वी नॉट, और दूसरी इक्वेशन क्या है ओमेगा बराबर वी बाय आर, इस ओमेगा की वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो आपका वी निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो
इस तरह के क्वेश्चन करने हैं आपको एंगुलर इंपल्स पर। इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो, यहां पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी कर सकते थे, बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो भी आंसर से ही नहीं आता। ठीक है, ओमेगा बराबर वी बाय आर तो हो गया होगा। पहले मोमेंटम कितना था, एम वी नॉट बाय आर, ब्लॉक मूव कर रहा था इस पॉइंट के अलॉन्ग, देखेंगे एक्सिस के अलॉन्ग वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, डिस्टेंस कितनी आर, फिर आई ओमेगा प्लस एम वी आर। देखो वही इक्वेशन बन रही है क्या, सेम इक्वेशन बन रही है। ठीक है, आई ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे सेम इक्वेशन बनेगी, एम वी नॉट बाय आर फिर उधर चला जाएगा तो आई ओमेगा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी आप कर सकते थे क्वेश्चन।